हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टेक फॉरेस्ट। आज हम बात करेंगे प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, प्रॉक्सी सर्वर। आपने कई बार रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर के बारे में भी सुना होगा। तो हम बात करेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और जो मेन पर्पज है प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल करने का वो क्या है। आपके सामने एक नेटवर्क डायग्राम है। इस नेटवर्क डायग्राम से, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे कि आप कोरिलेट कर सकें अपनी पर्सनल लाइफ को एक टेक्निकल डायग्राम के साथ। जब आप काफी छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं किया करते होंगे कि आप बाहर जाके कोई सामान परचेज करें। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती थी, लाइक टॉयज, आइसक्रीम और एनीथिंग, तो आप अपने पेरेंट्स को डिमांड करते थे। आपके पेरेंट्स आपके बिहाफ पे मार्केट जाते थे, वहां से वो चीज परचेज करते थे और आपको प्रोवाइड करते थे। उसके बाद आप उस चीज को कंज्यूम किया करते थे। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में एक पॉलिसी है प्रॉक्सी वोटिंग की। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, कैपेबल नहीं है अपना वोट खुद से कास्ट करने के लिए, देन यू कैन आस्क समवन। आप किसी से बात कर सकते हैं कि जो आपके बिहाफ पे आपका वोट कास्ट कर सके। दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी वोटिंग। कई बार आपने कॉलेज में भी प्रॉक्सी का यूज किया होगा, लाइक आपने अपना कॉलेज बंक किया हो और अपने किसी फ्रेंड को बोला हो कि जब अटेंडेंस लगाने का टाइम हो तो वो आपके बिहाफ पे प्रेजेंट लगवा दे। तो चलिए अब कोरिलेट करते हैं इन तीन एग्जाम्पल को हमारे इस नेटवर्क डायग्राम के साथ। ये नेटवर्क डायग्राम भी मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, प्लीज डोंट टेक दैट एग्जाम्पल लिटरली। मान के चलिए ये जो तीन सर्वर आपको दिख रहे हैं लेफ्ट में, नंबर वन वेब सर्वर, दूसरा है मेल सर्वर, तीसरा है मीडिया सर्वर। ये गूगल का ऑफिस है, आप ऐसा मान के चलिए, और बीच में इन्होंने एक प्रॉक्सी सर्वर लगाया है। प्रॉक्सी सर्वर का यूज यहां पे क्या है? सपोज आपको google.com पे कुछ सर्च करना है, आप यहां पे बैठे हैं नॉर्मल यूजर, आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले इंटरनेट के थ्रू, आपके ISP के थ्रू जाएगी प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर चेक करेगा, ओके, आपकी तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है वो एक वेब रिक्वेस्ट है, तो उसको वेब सर्वर के पास जाना चाहिए, तो उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा वेब सर्वर के पास। यहीं आपने सपोज gmail.com ओपन किया, आप मेल चेक कर रहे हैं, तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू मेल सर्वर पे चली जाएगी। यहीं आप अगर YouTube में वीडियो देख रहे हैं तो आपकी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर से पास होती हुई मीडिया सर्वर के पास चली जाएगी। फायदा क्या हुआ प्रॉक्सी सर्वर को लगाने का, अब इस बारे में बात करते हैं। सपोज इस कंप्यूटर के ऊपर एक हैकर बैठा हुआ है और हैकर कोशिश कर रहा है वेब सर्वर को हैक करने की। तो आपको पता होगा, जब भी हम किसी भी सर्वर पे अपनी रीचेबिलिटी बनाते हैं तो डेस्टिनेशन IP हमें पता लग जाता है, चाहे वो हम ट्रेस रूट करें, चाहे पिंग करें, किसी बहुत ही इजीली स्टेप को फॉलो करते हुए हम डेस्टिनेशन डिवाइस का IP एड्रेस पता कर सकते हैं। तो अगर ये प्रॉक्सी सर्वर यहां नहीं है तो ये बहुत इजी हो जाएगा इस हैकर के लिए इस सर्वर का IP फाइंड करना। आप यहां पे देखेंगे कि जो वेब सर्वर है उसका IP और बाकी जो दो सर्वर हैं उसका IP हमने ऑलमोस्ट एक रेंज के ही दिखा रहे हैं, जैसे इसका IP 21 है, इसका 22, इसका 23, मगर प्रॉक्सी सर्वर का IP बिल्कुल अलग है। यहां पे प्रॉक्सी सर्वर की इन्वॉल्वमेंट ये हुई, अगर कोई भी रिक्वेस्ट है, चाहे वो हैकर के पास से आ रही है या फिर एक नॉर्मल यूजर आपके पास से आ रही है, तो आप डायरेक्टली वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आपको वेब सर्वर के थ्रू, अगर आपको वेब सर्वर से कुछ भी काम है तो वाया प्रॉक्सी सर्वर ही आप वेब सर्वर से बात कर पाएंगे।
क्योंकि वेब सर्वर का पब्लिकली एक्सपोज होना सेफ नहीं है। तो आई होप अब आप जो हमने एग्जांपल लिए थे उसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे इस टेक्निकल डायग्राम के साथ। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो प्रॉक्सी सर्वर लगाने से सबसे ज्यादा जो की बेनिफिट है वो है सिक्योरिटी कंसर्न। आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे एनहांस हो गई है क्योंकि आप देख रहे हैं प्रॉक्सी सर्वर से पहले भी एक फायरवॉल है। अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो नॉर्मल यूजर से आए चाहे वो हैकर से आए, सबसे पहले वो फायरवॉल के थ्रू पास होगी प्रॉक्सी सर्वर पे। इन केस प्रॉक्सी सर्वर कॉम्प्रोमाइज हैकर ने कर भी लिया, उसके बाद भी हमारे पास फायरवॉल यहां पे इंस्टॉल्ड है, किसी भी तरीके से हम वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे या फिर जो भी हमारे इंस्टॉल्ड सर्वर हैं उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। पहले तो प्रॉक्सी सर्वर को भी कॉम्प्रोमाइज करना इजी टास्क नहीं है क्योंकि उससे पहले भी यहां पे फायरवॉल इंस्टॉल्ड होती है, बट हमने एक एडवांस लेयर ऑफ सिक्योरिटी बीच में इन्वॉल्व कर दी सो दैट यूजर डायरेक्टली कैनॉट कम्युनिकेट विद द सर्वर्स। यहां पे सर्वर की आइडेंटिटी कि ये सर्वर कौन है, इसका आईपी क्या है, इस सर्वर का वर्क क्या है, ये कभी भी एक्सपोज नहीं हो पाएगा। नॉर्मल यूजर को कभी भी पता नहीं लग पाएगा कि जो उसकी रिक्वेस्ट, जैसे गूगल पे कुछ भी सर्च किया या फिर हम जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वो किस सर्वर के थ्रू उसकी रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो रही है, कभी भी एंड यूजर को वो पता नहीं लग पाएगा। तो एक सबसे बड़ा की बेनिफिट हमने बात किया सिक्योरिटी का। सेकेंड की बेनिफिट की बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर की, वो ये, सपोज आप कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपने कोई वीडियो सर्च करी तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन हुआ मीडिया सर्वर के साथ, उसका एक कैशे मेमोरी प्रॉक्सी सर्वर में भी सेव हो गया। अगर किसी दूसरे यूजर से सेम उसी वीडियो की रिक्वेस्ट आती है तो दोबारा से हमारे मीडिया सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा, जो कैशे प्रॉक्सी सर्वर पे स्टोर हुई थी उस कैशे से ही जो सेकंड यूजर की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाएगी। तो सेकंड जो की बेनिफिट वो ये कि हमारा जो सर्वर पे लोड था वो काफी कम हो गया। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको पता लगा होगा कि प्रॉक्सी सर्वर एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों उसको हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी की। रिवर्स प्रॉक्सी कुछ नहीं, जस्ट इसका अपोजिट है। सपोज वेब सर्वर को कम्युनिकेट करना है इंटरनेट पे अवेलेबल किसी भी मशीन से, सपोज ये एक वेब सर्वर है, इसको कम्युनिकेट करना है किसी वेबसाइट, सपोज yahoo.com से, जो कि इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है, तो जो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के थ्रू जाएगी वो भी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही जाएगी। दैट इज कॉल्ड रिवर्स प्रॉक्सी। इस केस में सिक्योरिटी वही है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के थ्रू पब्लिक इंटरनेट पे जा रही है तो डेस्टिनेशन वाले मशीन को कभी भी ये पता नहीं लग पाएगा कि जो ये रिक्वेस्ट थी वो वेब सर्वर के थ्रू आएगी। उसके पास जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो ये कि जो ये रिक्वेस्ट आई है वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आई है। तो अगेन की बेनिफिट यहां पे भी वही है जो लास्ट हमने डिस्कस करे, जस्ट उसका अपोजिट है। रिवर्स प्रॉक्सी इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉक्सी। तो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है और रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट आप कमेंट सेशन में दे सकते हैं। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।